Hello everyone, welcome to chapter 9 HTML frames part 2. Today we will see that how can we make horizontal frames. Horizontal frame set is made with the help of frame set rows tag. Which tag we are using? Frame set rows. In the previous video we saw about the frame set calls. Calls stands for columns, but today in this video, we will see that how can we make frame set rows. So I have the last program with me. I'm just modifying the same program. ये last program हमने बनाया था जिसके अंदर हमने columns define करी थी. अब हम क्या define करने वाले हैं? Rows. Rows के form में हम अपनी frames को define करेंगे. तो यहाँ पे हम word rows use करेंगे. और तीनों frames वही का वही है. मैं कोई change नहीं कर रही हूँ. तो लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था उसका आउटपुट मैं आपको शो कर देती हूँ कि ये आउटपुट हमारा कॉलम्स के फॉर्म में आ रहा था. ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम. अब हमने रोज वर्ड यूज करा है तो ये जस्ट आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा. ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो. यहाँ पर मैंने तीन फ्रेम्स लिखी थी इसलिए तीन फ्रेम दिख रही है. अगर सपोज दैट यहाँ पर हम दो फ्रेम्स यूज करना चाहते हैं तो हम दो फ्रेम्स के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वाला हम 50-50 के रेशो में या फिर आप जो रेशो में डिवाइड करना चाहो उस रेशो में भी आप इसको यूज कर सकते हो. देयर इज नो बाउंडेशन इन दिस, बट टोटल 100 होना चाहिए. नाउ आई एम रिफ्रेशिंग माय विंडो, सो आई एम गेटिंग टू, ओनली टू रोज इन अ फ्रेम. दिस इज कॉल्ड एज द हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट. ठीक है, आप यहाँ पर सोर्स कौन सी भी HTML फाइल का दे सकते हो. कोई सी भी फाइल का आप यहाँ पर सोर्स दे सकते हो. ओके, दिस वे वी कैन मेक हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट. नाउ द नेक्स्ट वन इज अबाउट नेस्टेड फ्रेम सेट. नेस्टेड फ्रेम सेट क्या होता है? नेस्टेड फ्रेम सेट दैट मीन्स आप रोज और कॉलम्स दोनों चीजें साथ में चाहते हो. तो नेस्टेड फ्रेम सेट में पहले हमने फ्रेम सेट रोज वर्ड यूज कर लिया जिसके अंदर हम दो रो बनाना चाहते हैं. फर्स्ट वाली फ्रेम के अंदर हमने एक ऑलरेडी फ्रेम का नाम दे दिया. अब हम चाह रहे हैं कि जो सेकंड वाली फ्रेम है उस सेकंड वाली फ्रेम के अंदर दो कॉलम्स बन जाए. तो दो कॉलम्स बनाने के लिए हम यहाँ पर फ्रेम सेट वर्ड यूज करेंगे. फ्रेम सेट कॉल्स इक्वल्स टू कितने परसेंटेज में आपको कॉलम्स चाहिए? 30, 40, 60 आप कोई भी परसेंटेज ले सकते हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनका जो सम होगा वो 100 के इक्वल होना चाहिए. फर्स्ट वाला मैं जो कॉलम का विड्थ ले रही हूँ वो 40% का ले रही हूँ और सेकंड वाला मैंने 60 का लिया. ओके, तो मेरे इसमें यहाँ पर हमने दो कॉलम्स ली. तो फर्स्ट वाली कॉलम में हम टेबल लगाना चाहते हैं और सेकेंड वाले कॉलम के अंदर हम यहाँ पर जो भी आप फाइल लगाना चाहते हो उसका लोकेशन, उसका एड्रेस लिखोगे. जैसे मेरे पास में यहाँ पर फ्रेम वन करके एक फाइल सेव दे, मैंने frame1.html एड्रेस लगा दिया और मैंने अपनी फाइल को सेव कर लिया. तो आप यहाँ देखोगे कि जो मेरी नेस्टेड फ्रेम सेट है उसके अंदर आपको रोज और दो रोज दिख रही है. ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है. लेकिन हमने क्या करा है, फर्स्ट रो तो एज इट इज रखी है लेकिन सेकेंड रो के दो पार्टीशन कर दिए. ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम. ठीक है, इस टाइम से हम अपनी फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं. ये मेरी जो फ्रेम वन है इसका आउटपुट भी ऐसा है. आप इसका आउटपुट देखना चाहेंगे तो ये देखिए, फ्रेम वन मेरी विंडो है. यहाँ पर मैंने ओपन किया, आप इसका आउटपुट देखेंगे. इसका आउटपुट ही कुछ इस टाइप का है. ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रेम वन वाली विंडो आपको दिख रही है वो उसी टाइप की दिख रही है. यहाँ पे हम देखेंगे, ये देखिए आप, फ्रेम वन वाली विंडो ही विंडो ऐसी है इसलिए आपको ऐसे दिख रही है. ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ दो फ्रेम्स यूज करना चाहते हैं. आप चाहे तो एक ही फ्रेम को दो बार भी यूज कर सकते हैं. हम वो भी करके देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर हमने फर्स्ट वाली में भी टेबल यूज करा और दूसरी वाली में भी हम टेबल डॉट एच टी एम एल यूज कर सकते हैं. देयर इज नो लिमिटेशन इन दिस कि आप एक ही फाइल एक ही बार यूज कर सकते हो. नहीं, आप यहाँ पर देखोगे कि ये एक जैसा डेटा मेरी दो फ्रेम्स में आ गया है. ओके, तो ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, लेकिन मैंने इनका जो रेशियो लिया था वो अलग अलग लिया था. ये मेरा 40 का, ये 60 का, इसलिए ये छोटा है, ये बड़ा है.
और फर्स्ट वाली रो के अंदर कोई कॉलम्स नहीं डाली थी, इसलिए कोई भी कॉलम नहीं दिख रही। तो यहाँ पर हम एक चीज क्लियर समझ सकते हैं कि अगर हम कोई भी फ्रेम्स बना रहे हैं उसके अंदर हम नेस्टेड कर रहे हैं, नेस्टेड मतलब रोज और कॉलम्स दोनों साथ साथ आ जाती है। तो यहाँ पर आपको दिख रही है ये फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है, लेकिन हमने फर्स्ट रो के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फ्रेम यूज करी थी, एक ही फ्रेम यूज की थी, इससे आपको ये एक ही दिख रही है जिसका नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट था। तो यह अनऑर्डर्ड लिस्ट वाली फ्रेम का आउटपुट आपको दिख रहा है। और सेकेंड वाली जो रो है उसके अंदर हमने क्या किया, दो कॉलम्स डाले हैं, हमने क्या यूज करा है, दो कॉलम्स, तो एक 40 का है और एक 60 का है, जिसके अंदर दोनों कॉलम्स के अंदर हमने कौन सी फाइल ली है, table.html। यहाँ पर आप कोई सी भी फाइल यूज कर सकते हो। ओके, तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो चुका है कि हमारा HTML फ्रेम्स तीन टाइप के फ्रेम सेट से मिलकर बना है, वर्टिकल फ्रेम सेट, हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट और नेस्टेड फ्रेम सेट। वर्टिकल फ्रेम सेट के अंदर कॉलम्स होते हैं, जो फ्रेम आपको कॉलम्स के फॉर्म में दिखती है वो वर्टिकल फ्रेम सेट होती है। जैसे ये फ्रेम आपको कॉलम्स के फॉर्म में डिवाइडेड दिख रही है तो ये वर्टिकल फ्रेम सेट कहलाती है, जिसके अंदर हम फ्रेम सेट कॉल्स वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट, जो फ्रेम रोज के फॉर्म में डिवाइड हो जाए वो हॉरिजॉन्टल फ्रेम सेट कहलाती है, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ रोज कितने भी यूज कर सकते हैं। लास्ट होता है नेस्टेड फ्रेम सेट, नेस्टेड फ्रेम सेट मतलब जिसके अंदर एक फ्रेम के अंदर अलग अलग वेराइटीज की फ्रेम हो, मिक्स्ड टाइप की फ्रेम सेट हो, जैसे रोज भी हो और कॉलम्स भी हो। ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, लेकिन सेकेंड रो को आपने क्या करा, दो कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो जिसके अंदर रोज और कॉलम्स दोनों होते हैं वो नेस्टेड फ्रेम सेट कहलाती है। ओके, आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।